हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इंफॉर्मेशन में। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं वेब 3.0 के टॉप 10 कॉइन के बारे में। वेब 3.0 के बारे में ऑलरेडी मैंने इस वीडियो पे एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप आई बटन में क्लिक करके इसकी वीडियो को देख सकते हो। तो वेब 3.0 के बारे में बात करें तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इसकी शोर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी में कुछ खास हमें इसके ट्रेंड फिलहाल देखने को नहीं मिले हैं। तो चांसेस बनता है कि यहाँ पे आपको वेब 3.0 के कॉइन्स का आपको ट्रेंड देखने को मिले, और जो टॉप 10 कॉइन के बारे में आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिल सके। तो मेक श्योर वीडियो को आप पूरा देखो जिससे कि ये चीज़ें समझ में आ सके। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं मार्केट के सेंटीमेंट या फिर जो भी टेक्निकल एनालाइज होती है वो, या फिर जो फंडामेंटल्स कॉइन्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉइन्स होते हैं, उसके बारे में मैं यहां पर अपडेट करता हूं। तो मेक श्योर कि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लिया हो। सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानेंगे कि वेब 3.0 के जो कॉइन्स है वो हम यहाँ पर कैसे सर्च करेंगे। तो सिंपल, आपको कॉइन मार्केट कैप में यहाँ पर आ जानी है। आने के बाद आपको फिल्टर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो फिल्टर्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंडस्ट्रीज की ऑप्शन देखने को मिलेगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे वेब 3 अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। सिंपल इसमें हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब वेब 3 पे जो भी कॉइन्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर आप अपनी एनालाइज यहाँ पे कर सकते हो तो यहाँ पे उन कॉइन का एनालाइज कर सकते हो, और वहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी चाहो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो जैसा कि आज की वीडियो पे हम जानेंगे टॉप 10 कॉइन के बारे में, जो आने वाले टाइम पे एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है अगर वेब 3.0 का ट्रेंड हमें देखने को मिला तो। तो सबसे पहले अगर हम कॉइन के बारे में बात करें तो वो होगी पोलका डॉट। डॉट के बारे में बात करें तो रिसेंटली कई तरह के अनाउंसमेंट वेब 3.0 पे हमें देखने को मिले हैं, और कहीं ना कहीं डॉट को ऐसा बोला जा रहा है कि वेब 3.0 के ट्रेंड को ये यहाँ से लेकर जाएगी। तो ऐसे में आप डॉट को अपने पोर्टफोलियो में शामिल यहाँ पे कर सकते हो। फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि कभी ना कभी या आपको कुछ समय के बाद आपको ये $100 तक में भी देखने को मिलेंगे या $200 तक में भी देखने को मिले, तो ये कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं होगी। तो डॉट को आप यहाँ पे रख सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। फिलहाल जो इसकी प्राइस चल रही है वो चल रही है $27.67 की, लेकिन अगर आप इसे एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो धीरे धीरे आप यहाँ पर इसे एक्यूमुलेट कर सकते हो, अपने बाय बिट को यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है BTC के कारण थोड़ा सा आपको ये डाउन देखने को मिल सके, जो कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनेगी। मैं जितने भी कॉइन्स आपको बताऊंगा वो सबका मैं नाम बताऊंगा, ना कि मैं आपको फंडामेंटली या टेक्निकली थ्रू बताऊंगा, क्योंकि फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बनेगा, काफ़ी बोरिंग बन सकती है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ उसके नाम बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो पे मैं वन बाय वन करके इसके फंडामेंटली और टेक्निकली यहाँ पे बताऊंगा कि आने वाले टाइम पे क्या ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। तो दूसरी कॉइन के बारे में यहाँ पे हम बात करें तो आप चेन लिंक को यहाँ पे ले सकते हो। चेन लिंक को आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक्युमुलेट कर सकते हो। फिलहाल अगर हम प्राइस यहाँ पर देखें तो $19.85 का प्राइस यहाँ पे चल रहा है। ऑलरेडी अगर हम यहाँ पर देखें तो ये लगभग $52 का हाई यहाँ पे बना चुकी है। फिलहाल इसकी मार्केट कैप $9 बिलियन की है, और अगर इस तरह का प्रोजेक्ट $30 बिलियन के मार्केट कैप में चला जाए तो कोई बहुत बड़ी बात हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे में पोटेंशियल रखती है लिंक यहाँ पे 2x, 3x, 4x तक का पोटेंशियल यहाँ पे रखती है। तो आप इस कॉइन को थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेट कर सकते हो अगर आपके पास कुछ फंड हो। मार्केट में अगर आप फिलहाल हम यहाँ पे देखें तो दो तरह के ट्रेडर्स हमें देखने को मिलेंगे, एक जो फिलहाल काफ़ी लॉसेस से सफ़र कर रहे हो और दूसरा फिलहाल जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट के लिए फिलहाल ये वेब 3.0 के जो कॉइन्स है उसे एक्युमुलेट करने का काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा प्राइस डाउन आए लेकिन इसके बाद हमें जो कॉइन्स है उसमें अच्छी खासी हमें यहाँ पर पंपिंग देखने को मिल सकती है। तो पोलका डॉट हो या लिंक हो, दोनों काफ़ी सेफ कॉइन है, थोड़ा थोड़ा करके आप इसे एक्युमुलेट कर सकते हो। तीसरी कॉइन के बारे में यहाँ पर बात करें थर्ड कॉइन की, तो वो होगी फाइल कॉइन, जो कि इसकी फिलहाल प्राइस चल रही है $39 की, और लगभग $230 का हाई यहाँ पे बना चुकी है।
अभी अगर इसकी मार्केट कैप यहाँ पर देखिए तो लगभग 5.3 बिलियन का मार्केट कैप है, और 20 बिलियन का अगर मार्केट कैप यहाँ से बनती है तो लगभग से लगभग 4 गुना तक का पोटेंशियल ये यहाँ पे रखती है। तो फाइल कॉइन को भी आप यहाँ पे रख सकते हो, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, और वेब 3.0 के ट्रेंड में अगर ये आती है तो अच्छी खासी यहाँ पर आपको रैली देखने को मिलेगी। चौथी अगर हम यहाँ पर कॉइन के बारे में बात करें तो बिट टोरेंट को आप यहाँ पे ले सकते हो। बिट टोरेंट के बारे में बात करें तो काफी पुरानी कॉइन है, और दूसरी अगर हम यहाँ पे देखें तो कई तरह की चीजें फिलहाल अनाउंसमेंट होना शुरू हो चुकी है, जिस कारण से अगर हाल फिलहाल आपने देखा हो तो बाइनेंस में ये टॉप अर्नर पे ये शो हो रही थी। अभी फिलहाल इसकी मार्केट कैप अगर हम यहाँ पे देखें तो 3.3 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है, और अगर इस तरह के कॉइन 10 बिलियन डॉलर के भी मार्केट कैप अगर जाती है तो कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है कि ये भी यहाँ पे पोटेंशियल रखती है, लगभग 3 से 4 गुना का पोटेंशियल यहाँ पे ये रखती है। लेकिन ये आपको क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पे एक्यूमुलेट करनी है, ना कि जो भी करंट प्राइस में चल रहा है आप उसे वहां से बाई कर लो। ये तभी आपको करना है जब आपकी जो विजन हो वो एक लॉन्ग टर्म की विजन हो। लेकिन मिड टर्म की विजन है तो आप सिंपल इसे हर एक प्राइस में एक्यूमुलेट करो जब ये डीप में हमें देखने को मिलती है, या फिर आप अपनी SIP स्ट्रेटजीज को यहाँ पर शुरू कर सकते हो जो कि काफी बेटर यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। पांचवी कॉइन के बारे में यहाँ पे बात करें तो GRT को आप ले सकते हो, द ग्रैप को। फिलहाल इसकी प्राइस चल रही है 0.67 डॉलर की, और मुझे लगता है जैसे ये बिटकॉइन थोड़ा सा भी स्टेबल होगा तो ये कम से कम आपको 1 डॉलर पे देखने को मिलेगी। और जैसे ही यहाँ पर वेब 3.0 का ट्रेंड होगा, जैसे ही किसी भी कंपनी या फिर गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर एक्सेप्टेंस या फिर किसी भी तरह का वेब 3.0 का अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलता है तो इस तरह के कॉइन पे काफी बड़ी रैली, काफी अच्छी खासी मेटावर्स की तरह रैली हमें देखने को मिल सकती है। मेटावर्स में अगर हमने देखा हो तो मेटावर्स के जो कॉइन थे वो तो अच्छे गए ही, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो मेटावर्स के अनाउंसमेंट किए और वो प्रोजेक्ट भी अच्छी खासी हमें देखने को मिली। तो द GRT को आप यहाँ पे ले सकते हो, द ग्रैप को, या आने वाले टाइम पे अच्छी खासी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल इसकी मार्केट कैप चल रही है 3.13 बिलियन डॉलर की, और जैसा कि मैंने आपको बताया 10 बिलियन डॉलर काफी इजीली ये कॉइन्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो छठी कॉइन के बारे में यहाँ पे बात करिए, सिक्स कॉइन के बारे में यहाँ पे बात करिए, तो आप ऑडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ऑडियो ऑलरेडी मैंने प्रीमियम पे दिया था, BTT को भी मैंने प्रीमियम फॉल पे दिया था। ऑडियो को अगर हम यहाँ पे बात करें तो लगभग ये 1.63 डॉलर का प्राइस अभी फिलहाल चल रही है, और यहाँ पर अगर इसे एक्यूमुलेट करने के बारे में बात करें तो 1.5 से लेकर या फिर 1.4 से लेकर अब तक आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हो। फिलहाल अगर इसकी मार्केट कैप हम यहाँ पे देखें तो 832 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप है, और 5 से 6 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप ये इजिली यहाँ पर डिजर्व करती है। तो ऑडियो को आप यहाँ पे रख सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। आने वाले टाइम पे फिर से हमें इसकी ट्रेंड देखने को मिल सकती है, और अच्छी खासी प्रॉफिट यहाँ से बनाई जा सकती है। सातवीं अगर प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पर ओसियन को सिलेक्ट कर सकते हो, ओसियन प्रोटोकॉल को। फिलहाल इसकी प्राइस चल रही है 0.86 डॉलर की, और यहाँ पे अपने प्रीमियम ग्रुप में मैंने यहाँ पर 0.7 पे ही यहाँ पे कॉल दी थी। अभी फिलहाल अगर हम यहाँ पे बात करें तो 0.86 डॉलर का प्राइस यहाँ पे चल रहा है, और मार्केट कैप अगर हम यहाँ पे देखें तो 533 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। तो उस हिसाब से अगर ये 2 बिलियन डॉलर भी मार्केट कैप यहाँ पे बनती है तो लगभग 4 गुना तक का पोटेंशियल यहाँ पे रखता है। तो ओसियन को आप यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो, काफी बेटर है, और आप इसे चाहो तो एक्युमुलेट कर सकते हो। मैं समझता हूँ इसमें अच्छी खासी आपको फिर से रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आठवीं कॉइन अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप सिविक को यहाँ पे लेके जा सकते हो। सिविक के फिलहाल प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 0.35 सेंट की। मार्केट कैप अगर हम यहाँ पर देखें तो 238 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। उस हिसाब से अगर ये यहाँ पे 1 बिलियन डॉलर का भी मार्केट कैप यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, वेब 3.0 का ट्रेंड हमें देखने को मिलता है, तो 3 से 4 गुना तक का इजिली प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो सिविक को भी, CVC को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके आप चाहो तो 5 प्रोजेक्ट में या 10 प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पर रखनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने एक प्रोजेक्ट पर यहाँ पर सारा लगा दिया, इस तरह से जब भी अगर देखा जाए तो ये मैं अपने हर ऑडियो या फिर हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि कभी भी जब आप किसी कॉल्स को यहाँ पर बाय करते हो तो कभी भी अपना 100% या 50% अमाउंट किसी एक टोकन पे, आपको एक कॉइन पे नहीं लगाना है। तो
तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो और तभी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो आप चाहो तो इसमें से 5 कॉइन को या फिर 6 कॉइन को, 8 कॉइन को या 10 कॉइन को भी सिलेक्ट कर सकते हो और थोड़ा थोड़ा करके आप इसे यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो सीवीसी को भी आप यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हो, $238 मिलियन का मार्केट कैप है और काफी ज्यादा यहाँ पर ये पोटेंशियल रखती है। नाइन्थ कॉइन के बारे में यहाँ पे बात करें तो आप गिट कॉइन मतलब GTC को आप यहाँ पे रख सकते हो। फिलहाल 10.46 का प्राइस यहाँ पे चल रहा है और $147 मिलियन का मार्केट कैप है। तो इसे में पोटेंशियल रखती है कि अगर ये $500 मिलियन का भी मार्केट कैप यहाँ पे बने तो $30 से $40 तक में भी ये आपको देखने को मिल सकता है। तो सिंपल आपको थोड़ा थोड़ा करके एक्युमुलेट करनी है, आप अपने टारगेट को यहाँ पर फिक्स कर सकते हो। धीरे धीरे जैसे ही आपकी प्रॉफिट बनती है तो वहां से आप अपने प्रिंसिपल निकालकर प्रॉफिट को एक निश्चित टारगेट के लिए आप यहां पे रख सकते हो। तो GTC को आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर हम यहां पे बात करें तो 10वीं प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो आप रेडिकल को यहां पे ले सकते हो, RAD को, जिसकी प्राइस चल रही है $10.76 की और इसकी मार्केट कैप अगर हम यहाँ पे बात करें तो $229 मिलियन का मार्केट कैप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ये भी अगर $500 से $600 मिलियन का मार्केट कैप यहाँ पे बनता है तो पोटेंशियल लगती है $30 से $40 देखने की। तो आप इसे भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके एक्युमुलेट कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी 10 कॉइन्स मैंने आपको बताए हैं वो आने वाले टाइम पे Web 3.0 की ट्रेंड चलती है तो भी अच्छी खासी यहाँ पर हमें इसके ट्रेंड इसमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, या फिर बिटकॉइन का प्राइस अगर यहाँ पर स्टेबल होता है तब भी इसमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो मिड टर्म के लिए चाहो तो आप इसे एक्युमुलेट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें SIP कर सकते हो और बाकी का किसी का अगर फंडामेंटली आपको जाननी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। पूरी फंडामेंटली और टेक्निकल के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पे इसे यहाँ पर कवर करूंगा। तो मेरे दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।